एक बहन ने अपनी ही सगी बहन का घर लुटवाने की साजिश रच डाली। वजह सुनकर निहाल विहार पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस का दावा है कि लड़की को ऑनलाइन गेम पबजी और नशे की लत लग चुकी थी। उसे पूरा करने के लिए उसने अपने दोस्त के साथ सगी बहन के घर में लूट का खाका खींच दिया। टॉय गन लेकर लूट करने पहुंचे, लेकिन हल्ला मचने पर भागना पड़ा। इस हड़बड़ी में स्कूटी भी छूट गई। बरामद स्कूटी की मदद से पुलिस ने सारी साजिश की परतें उधेड़ दी। पुलिस ने लड़की समेत दो को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। डीसीपी परविंदर सिंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय ज्योति और दाबड़ी निवासी 24 वर्षीय सन्नी के तौर पर हुई है। दरअसल शनिवार दोपहर पुलिस को कॉल मिली कि मीरा कुंज निल्ठी एक्सटेंशन में दो लोगों ने एक महिला के घर में घुसकर लूटपाट की कोशिश की है। पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित महिला शशि ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे दो युवक आए और पति ब्रिजेश के बारे में पूछा। महिला ने दरवाजा खोला ही था कि दोनों युवक कमरे में घुस गए और एक ने पिस्टल तान दी, दूसरे ने उसे एक कोने में चुपचाप खड़ा कर दिया। घर की तलाशी लेने लगे। जब घर में नकदी नहीं मिली तो बदमाश बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गए। पीड़िता के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खोला। इस बीच आस पड़ोस के लोगों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। SHO महावीर सिंह व उनकी टीम ने आसपास के CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाला। छानबीन के दौरान पता चला कि बदमाश स्कूटी से आए थे। पीछा किए जाने पर वे अपनी स्कूटी लेकर भाग नहीं पाए। स्कूटी के नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी थी। नंबर की जांच करने पर पता चला कि स्कूटी का मालिक अमन मादीपुर में रहता है, जहां पुलिस ने दबिश दी। लेकिन वहां पता चला कि अमन 3 साल पहले ही वहां से घर छोड़कर जा चुका है। पुलिस ने घटनास्थल से स्कूटी को नहीं हटाया और एक कांस्टेबल प्रदीप को सादी वर्दी में तैनात किया गया। इसी बीच स्कूटी लेने पहुंचे एक युवक को पुलिस ने दबोच लिया, जिसकी पहचान दाबड़ी निवासी सन्नी के रूप में हुई। पूछताछ में सन्नी ने बताया कि पबजी गेम खेलने के दौरान शशि की बहन ज्योति से उसकी दोस्ती हुई थी। दोनों को रुपए की जरूरत थी। ज्योति ने ही उसे बहन के घर में 50,000 रुपए होने की बात कहकर लूटपाट की साजिश रची थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि ज्योति को पबजी गेम और नशे की लत है, जिसको पूरा करने के लिए उसने सन्नी और सैफ के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची। पुलिस ने टॉय गन भी बरामद की। पुलिस ने बताया कि सन्नी 3 साल से नारायणा स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। लॉकडाउन के दौरान प्रिंटिंग प्रेस बंद हो गई। पबजी गेम खेलने के दौरान कुछ महीने पहले उसकी ज्योति से दोस्ती हुई थी। पुलिस ने बताया कि ज्योति अपनी माँ और दो छोटी बहन के साथ राजपुरी इलाके में रहती है। उसके भाई और दो बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। सभी अपने परिवार के साथ रहते हैं। ज्योति अपनी माँ और दो छोटी बहनों के साथ रहती है। वो पहले एक सेकंड हैंड कार डीलर के साथ काम करती थी, लेकिन फिलहाल वो बेरोजगार है। उसे पबजी गेम और शराब की लत है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी और उसने अपनी सहेली के साथ मिलकर उसकी सगी बहन को लूटने की साजिश रची। उसे अंदाजा था कि बड़ी बहन के घर में 50,000 से 60,000 रुपए की रकम हमेशा रहती है। लूट की रकम में आधा आधा बंटवारे की बात हुई थी। घटना वाले दिन ज्योति ने अपनी बहन के घर का एक चक्कर लगाया। जैसे ही देखा कि उसके जीजा घर से बाहर निकल गए हैं, तो फोन कर दोस्तों को सूचना दे दी, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।